और अपनी विक्रांत दौड़ेगी। मुंह से विक्रांत ही निकलता है यार। अपने एक ड्रीम को पूरा करता हुआ मैं, साइड में रोड है, सामने समुद्र है। यहाँ के काफी वायरल वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, ऊपर फुल मून है और उसका शेडो नीचे समुद्र में आ रहा है। सो टाइम टू एक्सप्लोर दीव। माउंट तो अपन ने लगा लिया है, आज सिद्धांत की गाड़ी आराम करेगी और अपनी विक्रांत दौड़ेगी। मुंह से विक्रांत ही निकलता है यार। अपनी रेडर दौड़ेगी भाई, बुरा मत फान जाना तूने, ठीक है? बहुत एकदम अच्छा था मुंह से निकला हो। चलो तो सॉरी यार, पहली गाड़ी थी ना यार, अब उससे लगाव था थोड़ा, बट कोई नहीं। आयो हो और दीव का फोर्ट ना देखा तो फिर क्या मतलब। तो अभी अपन चलते हैं फटाफट दीव के फोर्ट में। हम लोगों ने एंट्री मार ली है दीव फोर्ट में। ये नया नया चश्मा लेते हुए भाई साहब, पोर्टुगीज जो थे वो 1600 ईस्वी में आ गए थे और मतलब उनका राज्य इधर ही था, तो उन्होंने ये सब बनाया था। डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर ही दिख रहे हैं, जैसे ऐसा नहीं कि अपने इधर के एरिया के किलो की तरह, एकदम अलग। जिस पोर्शन पर है वो है यहाँ की जेल। यहाँ पर पहले लोग जा सकते थे लेकिन अब कोई जाने की व्यवस्था नहीं है। सिद्धांत ने बहुत बड़ा इन्वेंशन करा है यहाँ पे इसने मेरा नाम ढूंढ लिया एस जे। वाह वाह, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो अभी पोर्ट का आउटर एरिया तो हमने घूम लिया, अब इनर एरिया में चलते हैं। और पोर्ट की इनर एरिया में यहाँ पर एक गार्डन है, ऊपर तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो अपन ऊपर तो नहीं जा सकते, बट अंदर एक और गेट है, अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो दिस इज़ द लाइट हाउस। लाइट हाउस अधिकतर इसलिए बनते थे क्योंकि रात देर रात अगर कोई सी बोट इधर आ रही हो तो उनको डायरेक्शन मिल जाए, और अगर कोई एनिमी वगैरह आ रहा हो तो उसका भी इजीली पता चल जाए। सो गाइस, हमारा फोर्ट का टूर कंप्लीट हुआ है और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ सेंट पॉल चर्च। आज जितना भी जल्दी हो सके उतना ज़्यादा अपने को दीव घूमना है, क्योंकि उसके बाद अपन अगले डेस्टिनेशन पर भी जाएंगे, तो एक जगह पर ज़्यादा समय नहीं दे सकते। यस, नाउ बैक टू बाइक्स, और अब इधर से अपन जाएंगे सेंट पॉल चर्च, और चर्च में ज़्यादा समय नहीं गुजारेंगे क्योंकि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा जगह एक्सप्लोर करनी है, उतना ही ट्रेवल करेंगे, एक दो फोटो, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, थोड़े से सिनेमेटिक्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि रात को या शाम में 6 बजे तक अपने को बीच पर भी जाना है। नागोवा बीच जो है यहाँ का बहुत फेमस बीच है, वहाँ जाना है अपने को। सेंट पॉल चर्च, तो ये रहा चर्च, काफ़ी सुंदर सा है, बट अपने को बहुत टाइम हो रहा है तो अपन सिर्फ थोड़ी बहुत फोटोज़ ले लेते हैं और यहाँ से चलते हैं। समय उतना ही है इसलिए थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। डिफरेंट वाइब आ रहा है यहाँ पे, जैसे मूवीज़ में हम गोवा देखते थे ना, उसी तरह से बोलते हैं ना कि ये मिनी गोवा है, उसी तरह की वाइब आ रही है मुझे। ये देखो घर वगैरह सब एकदम डिफरेंट डिफरेंट लग रहा है यहाँ पे। अपने एक ड्रीम को पूरा करता हुआ मैं, साइड में रोड है, सामने समुद्र है। हम है गंगेश्वर टेंपल पर। बहुत सारे मिथ है इस टेंपल को लेकर, मुझे था, लोगों का पता नहीं, बट अभी जाके दिखाता हूँ क्या इंटरेस्टिंग है यहाँ पर।
गंगेश्वर महादेव टेंपल, यहाँ के काफ़ी वायरल वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे। बाकी अभी तो यहाँ पर ज्वार भाटा नहीं आ रहा, तो पानी नहीं आ रहा, वरना ये शिवलिंग पूरा समुद्र में डूब जाता है। दिन भर में काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करा, बट शाम हो गई है तो अभी हम लोग आए हैं सनसेट पॉइंट पे, सनसेट देखने। अभी सनसेट तो पहले ही हो गया है, बट फिर भी ये मौसम भी अच्छा है। ज़्यादा आज इसलिए एक्सप्लोर करा क्योंकि कल अपन यहाँ से निकल जाएंगे, तो ज़रूरी भी था। और इसके एक दिन पहले जो गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमारे साथ चोट हुई, उसका भुगतान भी तो करना था आज, इसलिए आज बहुत सारा घूम लिया हमने। ये देखो ऐसे चप्पल उतार दिए और ये नंगे पैर क्यों, वाह यार ये चलने में अच्छा लग रहा है। और ये रहा समुंदर, अब पहली बार बीच के पास में आया हूँ तो थोड़ा पीस ऑफ माइंड भी ज़रूरी है। सो रात हो गई है और मैं नागोवा बीच में हूँ, और ये नज़ारा देखो, ऊपर फुल मून है और उसका शेडो नीचे समुद्र में आ रहा है, तो ये नज़ारा तो कैप्चर करना बनता है यार। मतलब मैं क्या, हम लोग इधर खाना खाने आए थे, मैं तो इतना क्लियर नहीं है, बट रियल अगर आंखों से आप लोग देखोगे तो भाई साहब। सो गाइस गुड नाइट, बाय बाय, सी यू एट अनदर व्लॉग। अब अपन अगले डेस्टिनेशन पर निकलेंगे कल सुबह, आज आराम करते हैं, मिलते हैं कल सुबह, गुड नाइट।